तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने पहले सुपर स्मूथ ग्राफिक्स के बारे में। तो जैसे कि सबको पता होगा कि 1.5 अपडेट के अंदर सुपर स्मूथ जो ग्राफिक्स वो हमें मिलने वाला था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लो एंड डिवाइस के लिए। लेकिन जिससे आपको पता होगा कि 1.5 अपडेट के अंदर हमें जो सुपर स्मूथ ग्राफिक्स जो वो लो एंड डिवाइस के लिए देखने को नहीं मिला, तो वो जो ग्राफिक्स ऑप्शन वो हमें कब तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस ऑफिशियल की तरफ से भी एक रिप्लाई आया जो कि आगे जाके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो पहले आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी गाइस चलते हैं फोटो की तरफ। तो यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इससे रिलेटेड गाइस मैंने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंटेक के जो कस्टमर केयर सपोर्ट उनसे मैंने कॉन्टेक्ट की, लेकिन उनके तरफ से जो रिप्लाई आया गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, आप लोग देख सकते हो। मैंने इस स्क्रीनशॉट को भी डाला और साथ में बताया कि वो जो ऑप्शन वो हमें क्यों शो नहीं हो रहा है, कब तक हर एक को अवेलेबल हो जाएगा, जो कि गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो उनके तरफ से जो रिप्लाई आया गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उन्होंने यहाँ पर बताया कि उन्होंने बताया कि इस नोटिस को जो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी जिससे इसके ऊपर काम चल रहा है, और अभी उन्होंने बताया कि इसके ऊपर जो करंटली काम चल रहा है और जब भी इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा तो पहले वो लोग जो उनका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट उसके अंदर पहले डाल देंगे। और यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया का जो लिंक उन्होंने उसको डाल दिया, तो अभी तो उनकी तरफ से कुछ भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो दिन पहले डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर इससे रिलेटेड एक पोस्ट की जो कि अभी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर उन्होंने डिस्कॉर्ड सर्वर के जो मॉडरेटर उन्होंने यहाँ पर कहा कि अभी कुछ इशू चल रहे हैं जो कि जुलाई मंथ के अंदर जो अपडेट आया है उसके अंदर कुछ इशू चल रहे हैं जिससे चलते गए यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स ऑप्शन जो वो काम कर नहीं कर रहे, जिससे कि आप लोग यहाँ पर देख सो जो मिनी रेड टीवी उसके तो साथ में गए यहाँ पर सुपर स्मूथ जो ग्राफिक्स ऑप्शन वो हमें इन गेम के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि इसके ऊपर जो अभी जो उनका जो टीम वो काम कर रहा है और बहुत जल्द हर एक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस इसके चलते जो हमें कुछ दिन तक वेट करना होगा। और जितना मुझे लग रहा है कि गाइस जितने भी लो एंड डिवाइस है जिससे कि 1GB या फिर 2GB रैम वाला जितने भी फोन है उन फोन के अंदर पहले दिया जाएगा, और कुछ कुछ फोन के अंदर तो मिल ही चुका है सुपर स्मूथ ग्राफिक्स ऑप्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को दो दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था कि लो एंड डिवाइस के अंदर उस सुपर स्मूथ ग्राफिक्स ऑप्शन को जो डाल दिया गया है तो बहुत ही जल्द हर एक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन गाइस पहले जो मिलेगा सुपर स्मूथ ग्राफिक्स ऑप्शन वो पहले जो है लो एंड डिवाइस के लिए मिलेगा, उसके बाद गाइस हर एक फोन के लिए अवेलेबल हो जाएगा जितने भी लो एंड डिवाइस वाला फोन है, जैसे कि 1GB 2GB 3GB या फिर 4GB वाला फोन जितने भी फोन है उनके लिए उसके बाद अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन पहले जो आएगा वो एकदम लो एंड डिवाइस के लिए आएगा, उसके बाद हर एक डिवाइस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इतने दिनों के लिए गाइस हमें जो वेट करना होगा, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है और जितना मुझे लग रहा है गाइस नेक्स्ट अपडेट के अंदर इस ग्लिच को जो फिक्स कर दिया जाएगा, हर एक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इतना ही था वीडियो के अंदर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सपोर्ट के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।